अच्छे से उठ सकती है। जुग तो जुग अपने दैवी शक्ति ने किया, वो जुग जुग कैसे की? अपन मर गए से भगवत नाम पर बोल से, पहला तत्व बोल से परमात्मा ही, उसके पहले एक लाइन भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए जो चार तत्व दिए है, वो तो उस भगवान ने जो बाबा को दिए थे चार तत्व, लेकिन अभी से यहाँ पर गुरुदेव महाराज के दर्शन में बस है कि सतयुग के तीन शब्द है जो भगवान को अच्छे लगने वाले गुण है, प्रिय गुण है, ये सतयुग के तीन शब्द है। चार तत्वों से तीन शब्द को शंकर बांधने में आई और तीन शब्द से पांच नियम को शंकर बांधने में आई और पांच नियम होकर पूरी लाइन 12 और 12 होकर ये जन समुदाय मानव धर्म के सेवक का आज दिखने में आता है। एक दूसरे के साथ बात करने का, मार्गदर्शन करने का, हर एक इंसान का तरीका रहता है न। अपन बोलते परमात्मा का है, परमात्मा परमात्मा का किसी ने परमात्मा एक को देखे क्या? नहीं देखे किसी ने परमात्मा को। बाबा ने मंदिर मस्जिदों में तो भगवान को नहीं पाया, हर सजीव आत्मा में बाबा ने भगवान को पाया, फिर तुम परमात्मा एक कहाँ देखते? कहा है परमात्मा एक? जबकि बाबा ये बोल रहे कि बाबा ने परमात्मा यानी भगवान को हर सजीव आत्माओं में देखा है, तो तुम भगवान को कहाँ देखते हो? हर सजीव आत्मा में या निर्जीव में? सजीव में देखते या निर्जीव में देखते? सजीव में स्टेज पर बैठने वाले बोलते, लेकिन सामने बैठने वाले नहीं बोलते। देख फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर रहे थे मार्गदर्शन की, क्या सुनना था? जो सुनना था वो सुने, नहीं कपड़े झटक ले और मन भी अपना दूसरी सो जाता यहाँ से उठने के बाद, बाहर जाने के बाद। तो परमात्मा ये अरे भगवान को बाबा ने हर आत्मा में देखे, लेकिन हर आत्मा में देखकर बाबा यही कहते कि जहाँ सच्चे मर्यादा प्रेम तत्व शब्द नियमों का पालन उत्साह है, उसके पास 24 घंटे दैवी शक्ति कार्य करती है, तो वहाँ पर परमात्मा एक, जिस भगवान ने सभी सजीवों को निर्माण करके रखा ऐसा भगवान तो एक, लेकिन वो भगवान निर्जीव में है या सजीव में है? तो वो भगवान तो सजीव में है, निर्जीव में नहीं है। अभी से यहाँ पर अधिक से मार्गदर्शन में गुरु जी ने बस है कि मूरत की पूजा करना बंद कर दिए, ये तो सच बात है, क्योंकि अपन ने मूर्ति से पूछा तो अपन करते ही नहीं, पत्थर को नहीं मानते किसी और तस्वीरों को नहीं मानते, लेकिन एक विश्वास रखकर अपन स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी के तस्वीर के ऊपर एक विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर अपन उस भगवान को मानते, लेकिन मानो कैसा है
कि भगवान तस्वीरों में रहता है, इंसानों में नहीं, सदियों में नहीं। बंदा का कोकरला में शायद पिछले साल या उसके पहले के एक साल जब ऐसा सेवक सम्मेलन हुआ तो ये कार्यकर्ता बचा रहा था। एक्सीडेंट हुआ, बोले धड़ अलग, कमर अलग, और उसका धड़ बोले या पाव ऐसे फड़फड़ा रहे से बोले। अरे कुछ मैंने देखा बोले, तो देखने वाला तो बहुत महान है जो तुझे देखा। धड़ अलग फड़फड़ कर रहा था और पाव कमर से लेके वो अलग तड़प रहे थे। नहीं, आत्मजोत हर इंसान को अगर परमात्मा से रिश्ता जोड़ कर अगर रख रहा है तो आत्मजोत या आत्मजोत हर सजीव आत्मा में रहते। बुद्धिमान प्राणी अपन बोल से मानव है, नर और नारी, लेकिन गूंगे जानवर को भी अकल है। जवाहर नगर सावरी में जब बाबा का दौरा था, कहने लगा पाटिल ए सुझा बुझा, बोले अपने बैल को, मेरे बाबा आए, मेरे बाबा से प्रणाम कर। जो बैल बिचारे गूंगे जानवर बैठकर बाबा को प्रणाम करने लगे, लेकिन ये मानव से अगर नमस्कार लिया तो मानव ऐसा करता है नहीं। लेकिन वो बैल में कितनी अकल सी, बैल में कितनी अकल सी कि वो बाबा से नमस्कार करने लगे। क्या और ये मानव बसा सा है भगवान, हमने भगवान को नहीं देखे और बाबा ने भी भगवान को कभी नहीं सीखा है कि भगवान ऐसे देखो। लेकिन भगवान के गुण सभी ने देखे, इसीलिए इस सिरसोली बस्ती में एक विश्वास लेकर यहाँ पर आए हो, इस कार्यक्रम में आए और यहाँ पर बैठे हो। जैवी शक्ति भी राजमान, जब अपना अंश हो जाएगा, आकाश से आत्मा निकल जाएगी, परलोक परमात्मा के पास चली जाएगी, ये शरीर मिट्टी मोल हो जाएगा और इस शरीर से फिर जीते जी ये इंसान नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद याद कर सकते। मरने के बाद माँ बाप का करना है तो जीते जी करो, लेकिन वो माँ बाप ने भी ज्यादा के हाथ पांव नहीं हिलाना चाहिए। नहीं क्या, अपने लड़के बच्चों की सुनना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा साथ जाता है ना, वैसे वैसे अकल भी मारी जाती है। माँ बाप ने भी अपने लड़कों की, अपने बेटियों बेटों की सुनना चाहिए, बहुओं की सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुन से वो करेंगे तो अपने मन की करेंगे। लेकिन इतना भी बुढ़ापा पंसु माता राम नहीं बन गए, हाथ पाँव से सलामत से अपन चल फिर सकते, घूम सकते या बोल सकते अच्छे से। भगवान ने जुबान दिए तो अच्छी बात करने के लिए दिए, लेकिन अपने मन में, अपने जीरो दिमाग में विनाशकारी विपरीत बुद्धि साथ जाती है और अपन भल कुछ न कुछ बोल देते, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इससे क्या होता है, अपने जो मन में एक कलुषित हो जाते हैं। तो जब अनेक में रहने के बाद अपन उनके नाम के कव्य को बुलाकर अपने छत पर कुछ ना कुछ डालते थे, मेरे विचार जी कौवा बन के आएंगे और खाते चले जाएंगे, ये है पुराने ख्याल। लेकिन
मानव धर्म के सेवक ने तो वो बिछा की हयात में सब भंडारपुरी तो देरी पर से तो ऐसे ही वहाँ पर लोग करते थे तो बाबा के मन में अचानक एक ख्याल निर्माण हो गया कि शायद बाबा अगर नागपुर रहते तो ऐसे ही करते। अचानक बाबा के मुंह से शब्द निकलने लगे कि जुम्मन तू क्या बोल रहा है, तेरे पिताजी क्या कहा है, कौवा बन क्या सबसे तेरे पिताजी नहीं, जबकि तेरा भगवान तेरे पास है और तेरा लगाव या तेरा प्रेम अगर तेरे पिताजी के प्रतीक्षा तो तेरे पिताजी तेरे ही पास है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। उस समय बाबा सोचने लगे कि अपन तो भगवान के चरणों में मरे लेकिन ये विचार कहाँ से खड़े हो गए, ये विचार कहाँ से ऐसा खड़े हो गए, नहीं ऐसे विचार खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो कोई माता राम होंगे सेवक यहाँ पर बहु है, खाने के लिए देती है, जितना देती है उसका खाने का और शांत से बैठने का, लेकिन ज्यादा की खिचकिच करने का नहीं। लेकिन अपन ये खिचकिच करते हैं और इसका परिणाम अपनी बहुओं के ऊपर, अपने लड़कों के ऊपर, अपने नात पोत के ऊपर गिरता है। ऐसा विचार तो माता राम लोगों ने करने को होना, लेकिन अपन नहीं करते। बहु ने भी उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर है, लेकिन करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता कम हो जाती है, वैसी कम ही हो जाती है। झूठ बोलने में भी बहुत माहिर रहते हैं, ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति मजा नहीं रो अपने घर गृहस्थी में संवारने का कार्य कर, लेकिन कर्म भोग को नजदीक मत बुलाओ। ये कर्म भोग सब आता है, कली से भी इंतजार करती है कि इस घर में मेरे को कब कब घुसने के लिए मिलता और कब कब नहीं, और एक बार अगर कली क्या घुस गई तो वो निकलने का नाम नहीं लेती। जिन्हें अपन मर गया था बोल से अपने तरफ से मर्यादा का पालन होता है क्या, अपन बोल से मैं मरू या जीव जीवन में कि भगवान को मरू, तू भगवान को मान से फिर बाबा का आदेश क्या है, बाबा के शब्द क्या है, उन शब्द को उन शब्द के ऊपर तेरा विश्वास है, अगर है तो तू उस आदेशों का पालन करेगा और नहीं है तो तू उन आदेशों का पालन नहीं करेगा। शायद न रो या न फिर अपना विश्वास किससे, और मर्यादा बोल से मर्यादा छूट गई तो ये दैवी शक्ति किसी की गुलाम नहीं है, जब चाहे बुलाए जब चाहे अपन छोड़ दे। गड़ाने वाला वो भगवान है, कब क्या गड़ाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर जगन जामुलकर है, उसके घर का स्वरूप है नगर जन का, जब ये सब बुखार से लटपट थे तो इनके घर की एक गैया ने जब पता चला भाई सोड़े में बैठी थी इसकी माँ तो पिछवाड़े जाके बैठ गई। लेकिन जो गैया अपन जिसको बोलते हो गैया पानी लाने के लिए गई, बकेट में पानी ला के सामने रख दी। भाई को पता चला कि सब बाबा का दौरा आ रहा है, अपन कैसे करें, सामने बच्चों को रगड़ती है, जामुनकर को रगड़ती, चलो उठो करके बाबा का दौरा आ रहा है घर पर, सब बुकाते रूठ गए जग गए और बाबा का दौरा सब आया। आने के बाद जब भाई सामने देखती है
सो बादले में वो पानी सो उसके सामने बिछा रहे कि बादले में पानी किसने लाया, किसने लाया? तेरे घर की गैया जो समझदार थी उसी ने लाया, उसको कितनी अकल, उसको कितनी अकल। बीमार गिर गए से लेकिन उस जमाने में अभी क्या निकले, ड्रम निकले है कि नहीं? उस जमाने में बड़ी बड़ी मड़की रहती थी ग्रामीण में रहती, और ऐसे मड़की के नीचे इनके यहाँ शराब का पौवा था। यहाँ है क्या सगन दिखा सगन है इनके यहाँ का अनुभव बचा रहे बाबा है आज का। चोरी चपाटी नहीं, झूठ बोलना नहीं, बोलना है सच। तो जो मड़कर है तो उसके नीचे जमीन में शराब का पौवा था, गलती ध्यान भी नहीं आ रही थी ऐसी कौन सी गलती हो गई करके। लेकिन उस गैया ने क्या की कि गैया जब छुटी थी तो अपने यहाँ पर सिंह में ऐसे जिन्हें अपन क्या बोलते कंदील, क्या बोलता चला कंदील, गाय थी आपने आनी कुछ गिरी थी गाय त्या मड़क्या सोवर गिरी त्याच्या नंतर याच्या आईला असं वाटलं की इथं काही नाही काही असणार असं तिला वाटलं। तेव्हा तिने ते उचललं या लोकांनी तर त्या खालची काय दिसलं तर दारूचा पौवा दिसला, तेव्हा तो पौवा बाजूला बेकूस दिला आणि तो कुटुंब सुख समाधानी जीवन सुखला। मानवाचे आठून कधी काय घडेल हे सांगता येत नाही। गलती कोण करके बैठता है? इंसान। और भुगतना भी किसको पड़ता है? इंसान को। अगर अपन ने भी कुछ गलती की तो अपने घर के गूंगे जानवर के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट गिर जाता है, ऐसी नौबत आती है। इसलिए अपने कुटुंब में कम से कम अच्छे से रहो। अब बाबा जिसके तरफ संत जी योग ने उसको 14 दिन के कार्य 15वें दिन हवन कार्य देते तो बाबा देते हैं। और किसी के तरफ अगर लड़की हो गई तो वो क्या बोल रहे हैं, 14 दिन के कार्य और 15वें दिन हवन कार्य तो सी फिर लड़की की हुई, जैसे कर्म वैसा फल, जैसा जैसे कर्म वैसा फल। पेड़ सही है, फल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन बड़े हो यानी बड़े हो जाने के बाद वो फल मीठे लगेंगे या खट्टे लगेंगे ये किसको पता, तुमको पता है क्या? किसी को पता नहीं। वैसे जैसे कर्म वैसे माँ बाप के वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। तो उसी प्रकार से एक सेवक आया बाबा के सामने बोलता है, बाबा मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे निमकेरा में 14 दिन के कार्य 15वें दिन हवन कार्य में बहुत सारे हो गए लड़के बच्चे। निमकेरा के सेवक आए थे यहाँ पर देवराव को कहते हैं पुराने सेवक, उनको कुछ भी नहीं था तो बाबा ने उसको आदेश दिया था 14 दिन के कार्य 15वें दिन हवन कार्य गड़ा। तो उसने गड़ा तो उसने को लड़का हुआ बाबा कुमार, इसलिए बाबा ने 14 दिन के कार्य 15वें दिन हवन कार्य इनके गांव में देते जाते थे बहुत से, और नगर धन में भी थे लेकिन नगर धन के बेमान हुए, खुश हुए खुश नहीं हुए। तो नगर धन वाले ये बोलते गए कि बाबा इंसान देखकर लड़का देते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या इंसान देखकर लड़का थे? अब वो सुधाकर भीलकर को लड़का हुआ, अब वो गबने की या लड़की हुई उसको लड़का चाहिए था तो वो बोल रहा था बोलते कि बाबा मुंह देख के लड़का देते हैं इसलिए हमको लड़की दिए पहले, ऐसा कभी होता है क्या? तो ऐसा सब वो इसके गांव के निमकेड़ा का ये
अपना संतर मेंगरे वो बोल रहा सर, बाबा बोले मेरे को चाहिए, मेरे तरफ कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने 14 दिन के कार्य और 15 दिन हवन कार्य घड़ाने का आदेश किए। उसने कुछ दिन घड़ाया, योग आया और बाबा बोलता है मेरे तरफ से नहीं हो रहा, अभी मेरे को खुला कर दो। ठीक है, तेरे को किसने बांध के रखा है? किसने बांध के रखा है? नहीं, उसको खुला कर दिए, उससे हवन कार्य घड़ाना बंद कर दिए। जैसे जैसे दिन आते गए वैसे वैसे सोनोग्राफी वगैरह निकाला तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में 3 बच्चे करके। जब 3 बच्चे है, जब 9वां महीना लगा, 9 महीना 9 दिन हुए कि क्या हुए, जब डिलीवरी का समय आया, अस्पताल लेके जाते जाते ऑटो में हुई या कौन से फोर व्हीलर गाड़ी में हुई, एक एक बच्चा होता गया, गुजरता गया, एक एक बच्चा, तीन हो गए। लेकिन उसने शायद उस गलती की माफी वगैरह मांगा, नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने दोबारा योग दिया तो दो जुड़े हुए, जुड़वा दो जुड़वा हुए। लेकिन बोलते ना दैव देश कर्म लेके जाते, कौन से माध्यम से लेके जाएंगे भरोसा नहीं, लेकिन भगवान ने सही सलामत उसके दो है। लेकिन शायद इसके नसीब में बच्चों का प्यार या बच्चों को मामसा देने का ये इसके नसीब में था या नहीं था। इसको हो गया कैंसर और जब मूलचंद जुमड़े यहाँ पर उपस्थित है जिसके घर पर साथ दौरा तो बाबा का मार्गदर्शन वगैरह हुआ, वो आया नजदीक और बाबा को क्या बोल से, बाबा अकेले में मेरे को बात करना है। ठीक है, कुछ सेवक बैठे बाकी तो बाहर गए। नजदीक और बाबा को बचा क्या बात है? उसने बाबा को बचा, बाबा बोले डॉक्टर ने मेरे को कैंसर बचाया और जीवली उसने दिखाया तो सचमुच उसको कैंसर बाबा ने देखे। अब बाबा के ध्यान में ये गलती थी उसकी तो बाबा ने बोले कि बाबा को बाथरूम लगी है तो बाबा शंकर जुमड़े की यहाँ बाथरूम से आते तब तक की तेरे तरफ से गलती हुई है, ये बाबा के ध्यान में है, तेरे ध्यान में है कि वो बोल रहा था नहीं, तू ध्यान में ला तब तक के बाबा बाथरूम से आते। बाबा बाथरूम गए, उधर से आके बैठे, तेरे ध्यान में गलती आएगा ना? हाँ बाबा बोले, मेरे ध्यान में गलती आई। कौन सी? तो बाबा बोले, आपने 14 दिन के कार्य 15वें दिन हवन कार्य दिए थे, लेकिन मैंने बाद में हवन कार्य घड़ाया नहीं, मैंने ये बोला कि मेरे को खुला कर दो। और बाबा बोले, ये कैंसर हुआ, अभी इसके लिए क्या करूँगा? अब तेरे को बाबा की याद आए, अभी तक के याद नहीं आई, इतने दिन होंगे याद नहीं। फिर बाबा ने मार्गदर्शन किए, जुमड़े को बचाए और मार्गदर्शन करके उसने कार्य घड़ाया, लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी ने उसका कैंसर नष्ट कर दिया और वो कैंसर का पेशेंट सक्सेस हो गया। कैसा भगवान है, कैसी दैवी शक्ति है। अब कम से कम उसके नसीब में ये तो लिखा है बच्चों का प्यार। गलती होती है तो भगवान माफ करते, लेकिन मानव की तरफ से गलती होती तो मानव माफ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मानव गाली भी दे तो उसको माफी करे क्या? वो कुछ भी बोले तो उसको माफी करेंगे क्या? उसको भगवान क्या, उसको यमराज भी नहीं बचा सकता, ऐसे मानव को कैसे बचाएगा? तू कुछ भी बोलता जाएगा, बोलने की भी खास रही थी, मर्यादा रही थी, छोटी मोटी गलती हो गई भगवान माफ कर दे, लेकिन अगर ज्यादा की हो गई तो कैसे माफ करे, कैसा ये करे, विचार ऐसा है सामने। ऐसा एक सेवक था इनके नगरधन का, उसके पाप को भी बहुत बड़ा जख्म थी, शायद 52 सदने मूंगा उसका, उसको भी बंधन के कार्य देने में आए थे, लेकिन पत्नी बंधन का पालन करती थी, लेकिन उसके तरफ से नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिन उसने बंधन का पालन किया, उसकी जख्म अच्छी हो गई
और रकम अच्छी हो जाने के बाद काचुरवाही में सेवक सम्मेलन का कार्यक्रम था, वहाँ पर वो सेवक आया और बाबा को क्या बोल रहा है कि बाबा मेरे को खुला कर दो मटन मछली खाने के लिए, सब काम करने के लिए। बाबा ने बोले ठीक है, उस समय कुर्सी वगैरह थे सर। बाबा ने बोले ठीक है, बाबा ने तेरे को बांध के तो नहीं रखे, हर सेवक अगर बन रहा है तो तत्व शब्द नियम में बन रहा है, उसको खुला कर दे। ठीक है बोल रहे, कार्य तेरे बंद। अब उसने कार्य बंद किया, कुछ दिन रहा और शमशान घाट चल बसा, अपने हाथों से अपने पाँव के ऊपर कुला दिए मारता है मानो। इसलिए हर इंसान को बाबा बसाने का कार्य करते, लेकिन अपन खुद अपने विचारों से मर्यादा भंग करके अपन खुद खाई में गिरने का प्रयास करते हैं। ऐसी गलतियां मत करो। और बाद में वो जख्म और बढ़ गई तो नगरधन में बैठक रहती, महीने के पहले शनिश्चर बाबा के तरफ आया, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया और वो चल बसा। बावन कुड़ी है ना, वो बावन कर्ष कैसा भगवान है, इसीलिए ये दैवी शक्ति जागरूक है अपने पास है। सब सजीव आत्मा में रहकर कार्य कर रही है, जबकि बाबा की तरफ से भी एक मर्यादा भंग हुई थी। कैसे आई बोल रही थी मेरे को अमेरिका नहीं जा, और बाबा बोल रहे थे जाएंगे अमेरिका जरूर जाएंगे। आई बोल रही थी कि नहीं अपन नहीं जाते, आप जाते हो तो जाओ, मैं नहीं आ। लेकिन जबरदस्ती से बाबा ने आई के ऊपर, फिर आई को ऐसा लगा कि बाबा के शब्द मेरे तरफ से टूटेंगे यानी मर्यादा भंग हो जाएगी। आई ने तैयारी की और तैयारी करके जब बाबा और आई जब यानी गए, शायद उस समय दिल्ली से बैठे, तो जब जाने के बाद आई का सर यानी एकदम ऐसा बोझा लगने लगा उसके सर पर, तकलीफ होने लगी। आधी दूर जाने के बाद प्लेन में ऐसी तरफ रही थी कि क्या हो गया, बाबा भगवान को कहने लगी कि भगवान ऐसा ये क्या हो गया। नहीं, बाबा की तरफ से मर्यादा भंग हो गए ऐसा शायद बाबा के मन को लग रहा था, तो बाबा ने भगवान को विनती करके अपने मन ही मन में माफी मांगी। क्योंकि भगवान ने बोले थे जुम्मन तेरा सर तो मेरा घर और मेरा घर तो तेरा सर, अपन एक हो गए, जबकि भगवान मेरे पास है और मर्यादा कैसे भंग हो गई। नहीं हो गई तो मर्यादा भंग हो गई, तो बाबा ने भगवान को माफी मांगी कैसे तो, और माफी मांग कर कैसे तो। आई को ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर कितने केजी का बोझा है, ऐसा आई को लग रहा था। लेकिन बाबा कैसे तो अमेरिका गए, वहां जाने के बाद आई का ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने बचा, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करने में आए, वहां पर पूरी काली गिर गई थी, सर पर बाल नहीं कुछ नहीं, ऐसी व्यथा उसकी हो गई थी। लेकिन बाबा अब कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, विदेश में करके बाबा आई को छोड़ के चले आए इंडिया वापस। जब इंडिया वापस आए बाबा, तो उस समय बाबा की भी तबीयत बिगड़ गई, तो बाबा टावरी हॉस्पिटल। और बाद में बाबा के चिरंजीव ने तो लाके नहीं दिया, आई को छोड़ के नहीं दिया, एक नर्स ने लाके दिया। जब उसने लाके दिए तो आई को छोड़ दी उससे, और यहाँ तक कि छोड़ दी ना आपको सके, और बाबा अस्पताल में से वहाँ सावरिया हॉस्पिटल। उस समय पार्थी बाबा के सेवे में था, लेकिन आई को बचाने में नहीं है कि बाबा अस्पताल में। लेकिन कोई भी सेवक अगर पहले तस्वीर लेने के लिए वर्धमान में आता था भवन में, तो पहले टिमकी में आता था मुलाकात लेने के लिए बाबा की। अब किसी को पता चल गया हवा फैलती से नहीं, बाबा है का तो चावरी हॉस्पिटल में है,
बाबा को शुगर भी सा, बीपी भी सी और थायराइड भी बाबा को सा। तो बाबा को लगा, तो बाबा के दो डॉक्टर अच्छे थे स्पेशलिस्ट, बाबा जाते थे दावरी हॉस्पिटल में और तोलानी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में बाबा जाते थे। तो फिर बाबा दावरी हॉस्पिटल में थे तो आई को ऐसी दशा में जब एक सेवक गया घर बताने लगा, बोले भाई बाबा से मुलाकात अभी लेकर आया, आई आई को बताने लगा। आई को लगा कि घर के लोग बताते बाबा दौरे पर है, तू बता रहे कि बाबा अस्पताल में कैसा है। सब समझ में आए कि नहीं बाबा का है तो अस्पताल में है, लेकिन व्यसा आई कि देखकर नहीं हो रही थी। लेकिन कमाए हुए धन के ऊपर कोई भी राज कर सकता है, करता है कि नहीं करता, लेकिन कमा कर अगर तू राज करेगा तो तेरे को पता चलेगा कि कितना खर्चा करना चाहिए और कितना बचाना चाहिए करके। लेकिन अब वो दिन तो ऐसे हो गए, लेकिन देखते बराबर जब आई को लाए तो बाबा को सहा नहीं गया, वैसा एकदम गंभीर थी। क्या देखे आई के आंखों में चिपड़, दोनों आंखों में देखा नहीं गया, ऐसी वैसा काली काली गिर गई थी, वर्ष देखा नहीं जा रहा था। और अभी क्या लग गई जिधर उधर दान पेटी लग गई, नहीं किसके नाम की, तो बाबा के नाम की, बाबा के नाम की दान पेटी हर जगह है, लेकिन हमारे मुआड़ी मंडल में दान पेटी नहीं है। जिसको कुछ देना है वो तो देता था, लेकिन हम दान पेटी वगैरह नहीं लगा से, सही है गलत से, लेकिन अपन दान पेटी रखते इधर उधर ये दान पेटी, और फिर बोलते अपन फोड़ते होंगे और फिर बोलते टूट गई, पैसा निकालते होंगे टूट गई, नहीं फिर बदनाम किसको करी, नहीं ऐसे चोर और भक्षक बन गए गुरुजी ने। अब 20 वर्ष है बाबा ने अपने हयात में भ्रष्टाचार हिंसाचार और अत्याचार के ऊपर मात करने वाला यानी अड़चन निर्माण करने के लिए बाबा ने विनती दिए थे अपने हयात में, क्यों विनती करो। और वैसा एक बाबा को लड़का चाहिए, लेकिन उस समय किसी ने नहीं दिया। अच्छा हुआ कि जो कि नहीं दिया, नहीं तो उसके भी आंग में आ जाता और वो भी अभी कुछ को बोलता कि मेरे पाव दो, मेरे को गाड़ी दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। लेकिन हमारी सही बोलते है क्या, नहीं सीधी जाते जैसा बैठने का है वहां बैठना, ये कर हमको नहीं सही, आसर नहीं सही है। बाबा बोल रहे मार्गदर्शन करते, लेकिन किसी किसी के पेट में भी दर्द देना चालू हो गया है, ऐसे भी यहाँ पर पैसे नहीं कहते नहीं है सही है, जैसा है वैसा है कि नहीं। लेकिन सेवक को पता है कि अपने बाप आए हैं तो अपन ने मर्यादा या आदर करना चाहिए। गुरु जी ने बताते हैं कि मेरे तरफ से अनादर कैसा हुआ, तेरी मर्यादा भंग कैसी हुई, सी करके बचाते या नहीं बचाते, बचाते इसीलिए कम से कम सबसे की मर्यादा रखा करो। मेरे को पता है अच्छे से कि शाम के समय बाबा का मार्गदर्शन भी होता है और खाने के लिए भी मिलता है, इसीलिए इतनी भीड़ दिखाई देती है। अगर पहले बाबा का मार्गदर्शन होता रहा ना तो इतनी सारी भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देती, देती क्या नहीं देती। लेकिन अभी ऐसा लगता होगा कब कब खत्म करते बाबा और कब कब नहीं, कान पक गए, नहीं कान पक गए ना, पक गए कान, नहीं तुम्हारे कान क्या। बाबा मार्गदर्शन करने के लिए इसके साथ ही नहीं, बाबा घर से, बाबा के पास बहुत अनुभव है,